दोस्तों आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का सेकेंड मैच होगा पाकिस्तान वुमेन्स वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स के बीच। इन डेप्थ कवर करेंगे दोनों ही टीम के बारे में इस वीडियो में। क्या कुछ स्पेशल पॉइंट रहेगा इस वीडियो में दोस्तों? माइट बी, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पिच ना यूज ट्रैक होगा, मतलब ये सेकेंड मैच है, सेम डे और शायद सेम पिच ही यूज होने वाला है। ठीक है, एक बार वो आफ्टर टॉस पिच रिपोर्ट के बाद कन्फर्मेशन मिलेगा। मुझे जितना पता लगता है सेम ट्रैक यूज हो सकता है इस मैच में ना। पाकिस्तान वुमेन को अच्छा करने के लिए एक बहुत बड़ा नाम जो करेंटली बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है, पब्लिक शायद वाइस कैप्टन कैप्टन नहीं बनाएंगे स्मॉल लीग में, वो है निदा दर। रीजन क्या है पता है? ओपोनेंट देखो, चमाड़ी अटापुटो लेफ्टी बैटर, हर्षित अमादे भी लेफ्टी, टॉप थ्री में दो लेफ्टी और मेरा मानना है कि बहुत अच्छे फॉर्म में है दोस्तों। कौन? हर्षित अमादे। ठीक है, इनके साथ ऐड करो हसीनी पेरेरा मिडिल ओवर में लेफ्टी बैटर जो आई थिंक थ्री डाउन खेलेंगे, मतलब टॉप फाइव में दोस्तों आपको कम से कम तीन लेफ्टी दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है निदा दर विद बॉल और इनका बैटिंग भी दोस्तों आपको पता है बिग मैच प्लेयर है। इनके साथ ऐड करूंगा मैं दिलहारी को। दिलहारी का हिट वे रिकॉर्ड अच्छा है, स्पेशली मुनीब अली के अगेंस्ट करेंट फॉर्म अच्छा है, डेथ में भी कर लेती है और ये बैटिंग से बहुत अच्छी कर रही है, अभी टू डाउन खेल रही है। थर्ड ऑप्शन श्रीलंका, लेफ्ट हैंडेड डोमिनेंट टीम है, मैंने ऑलरेडी बताया, मतलब सादिया इकबाल और नश्रा संधू दोस्तों ये दोनों ना इस मैच में एक हाई अलर्ट पीक है, मतलब पब्लिक तो इनको बैक करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनको आपको ड्रॉप करना चाहिए, बट इनका परफॉर्मेंस कैसा होगा डाउट है। रिसेंट फॉर्म डेफिनेटली श्रीलंका के साथ जाएंगे दोस्तों। चमारी शो अकेले सिंगल हैंडेडली कुछ भी करा सकती है और हर्षिता माधवी मैं मानता हूँ इस मैच में कमाल की डिफेंशियल पिक आपके लिए बन सकती है। विश्मी गुणारत्ने भी मैं बोलता, बट ना ओपोनेंट के पास देखोगे तो दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सबसे बेहतरीन बॉलर सादिया और नश्रा, तो हर्षिता माधवी का परफॉर्मेंस इस मैच में अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये रहेगा इस वीडियो का टॉपिक और अगर आपको पूरा वीडियो दोस्त अगर आपको अच्छा रैंक करना है तो ये वीडियो पूरा देखो, इन्फॉर्मेटिव है, आपको मज़ा भी आएगा और फ्यूचर में ये सीरीज़ के साथ साथ हम लोग ECC T10 आज हम लोग वीडियो लाइव है, जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको मिलने वाले करेंटली चल रहा है नमीबिया ट्राइंगुलर T20I सीरीज, करेंटली चल रहा है एक और सीरीज हुआ है कनाडा T20I ट्राइंगुलर सीरीज, तो ये दोनों का कवरेज छत्तीसगढ़ वुमेन्स के साथ आपको मिलेंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन और फटाफट से जुड़ जाओ टेलीग्राम, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दिया। आते हैं सीधा शारजा क्रिकेट स्टेडियम, ये रहा वेन्यू, प्रोबेबली यूज ट्रैक होगा, तो ये जो मैंने बात लिखा था ना पेसर स्लो ट्रैक और स्पिनर, मेरा ऑब्जर्वेशन क्योंकि वो पहला मैच के लिए था, सेकेंड मैच अगर सेम पिच में होता है पिच अलग हुआ तो शायद थोड़ा सा पेसर्स को शुरू में हेल्प मिल सकता है दो तीन ओवर, बट अगर यूज ट्रैक हुआ तो दोस्तों यहाँ पे स्लो ट्रैक हो जाएगा और बॉलर ही बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और स्पिन बॉलर कटर बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे। इस वेन्यू में इंटरेस्टिंग बात क्या है, रिसेंटली एक मैच दोस्तों फैजल फारूकी ने अगेंस्ट अफगानिस्तान बहुत अच्छा फॉर अफगानिस्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा बॉलिंग कर गया और पेस को वहां पे हेल्प मिला था क्योंकि पिच स्लो है, उसके साथ थोड़ा बहुत ग्रिप हो रहा था, बॉल कटर जो हो रहे थे वो रुक के भी आ रहे थे, तो यहाँ पे पेसर्स जो कटर डालते वो इंपॉर्टेंट हो जाते, डिफरेंशियल हो सकते हैं वो। उसके बाद वाला मैच गुरबाज ने बहुत अच्छा खेला, उसके बाद वाले मैच में दोस्तों चेजिंग हो गया बहुत इजीली, फर्स्ट इनिंग्स कोलैप्स, तो यहाँ पे स्पिनर्स प्ले में जरूर आएगा। उससे पहले T20I में भी देखो चेजिंग नहीं हुआ और फर्स्ट इनिंग्स में मेंस क्रिकेट में एवरेज स्कोर इस ग्राउंड में 144 है, ज़्यादातर मेंस क्रिकेट का है यहाँ पे रिकॉर्ड है, तो वुमेन्स क्रिकेट में इससे भी कम बनेगा, 120 से 30 मैं मानता हूँ मैक्सिमम बनना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान वुमेन का जो बैटिंग का हालत है वो बैटिंग करते तो 120-30 ही बनेगा। चमारी शो हो गया बाद अलग, वेन्यू में 28 बार बैट फर्स्ट ने विन किया, चेजिंग ने 20 बार विन किया, इनिशियली दो चार ओवर पेसर्स आ सकता है बट स्लो ट्रैक है और स्पिनर जरूर प्ले में आएगा और यूज्ड पिच हुआ तो और भी ज़्यादा। आते हैं हेड टू हेड में, 5 हेड टू हेड रिसेंटली हुआ, पहले का बात छोड़ दो, रिसेंटली 2022 से 5 हेड टू हेड हुआ है जहाँ पे 3 पाकिस्तान ने विन किया, 2 श्रीलंका ने विन किया है दोस्तों स्लाइट यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया मेरे से, ये 2 जीता है पाकिस्तान ने, ठीक है, और श्रीलंका ने 3, मुझे याद है इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके देखा क्योंकि मैं खुद लिखा था कि श्रीलंका ने तो लास्ट 3 जीता है और उससे पहले 2022 में 2 जीता था दोस्तों किसने, पाकिस्तान ने, बट उसके बाद 2022 में 1 और 2023 में 1, 2024 में 1 मैच जीता है श्रीलंका और करेंट फॉर्म भी मैं मानता हूँ श्रीलंका का बेटर है। इनका रिसेंट इंटरनेशनल में 4 मैच जीता है, 1 मैच हारा और पाकिस्तान का T20 में बोलो तो कुछ मैचेस हारे थे दोस्तों, स्पेशली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट।
नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखेंगे तो श्रीलंका से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन आने वाला है दोस्तों। श्रीलंका से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे चमारी अट्टापट्टू आपको ओपन करते हुए दिखेंगे अलोंग विद विश्मी गुनारत्ने। दोस्तों हर्षिता माधवी आएंगे, उसके बाद कविशा दिलहारी, हसीनी पेरेरा आने वाला है दोस्तों, नीलाक्षी डी सिल्वा। ये होगा प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर श्रीलंका ओमेन से। इनका देखो मैं क्यों बोला था, कितने टॉप फाइव में कितना है, तीन लेफ्टी बैटर है और दो राइटी बैटर है, विश्मी और कविशा, ठीक है। अब देखो प्लेयर्स के रिकॉर्ड अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चमारी अट्टापट्टू लेफ्टी बैटर एंड ऑफ ब्रेक बॉलर, कमाल की प्लेयर है, डेफिनेटली हम लोग टीम में बैक करेंगे दोस्तों। 139 मैच में 25 का एवरेज, 3000 प्लस रन, डे टू इंडिया में 221 ओवर में 56 विकेट। रिसेंटली ना इन्होंने वार्म अप का बात छोड़ दो, एक रन एक मैच में बॉलिंग नहीं किया और एक मैच में एक विकेट निकाला, उससे पहले T20 में इन्होंने बॉलिंग कराया और रिसेंटली ना ये बॉलिंग करने लगे हैं। इस वेन्यू में तीन इनिंग्स में 75 रन, बहुत ज़्यादा वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है जो आपको एग्जैक्ट पैरामीटर देंगे, बट मैं तो आपको स्ट्रिक्ट सजेशन दूंगा दोस्तों, चमारी अट्टापट्टू इस मैच में के इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस खेलेंगी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में से रहने वाली है आपके लिए। अगले ऑप्शन में देखोगे तो विश्मी गुनारत्ने, क्या सीन है इनका दोस्तों। विश्मी टी टू इंडिया में 43 मैच में 21 का एवरेज से 720 रन बना के रखे। रिसेंट फॉर्म में वार्म अप में एक मैच में 2 बनाया और एक मैच में 14 बनाया, और ये अच्छी प्लेयर है। ओडीआई में एक शतक भी था, बड़े मैच में अच्छी भी खेलती है मैंने नोटिस किया। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट है, कन्वर्शन भी दोस्तों थोड़ा सा स्लो है, बट ठीक ठाक डिफरेंशियल बन सकते हैं। मैं ना इनको जरूर रखता बट ओपोनेंट के पास ना दो स्टार प्लेयर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क है, अगेंस्ट द स्पिन खेलना पड़ेगा। हर्षिता माधवी कमाल की डिफरेंशियल है मैं मानता हूँ इस मैच में। टी टू इंडिया में 31 का एवरेज है, रिसेंटली वार्म अप में एक मैच में 9, एक मैच में 29, बट उससे पहले T20 में 4, 18, 33। ये अच्छी खासी डिफरेंशियल बन सकती है आपके लिए। कौन दोस्तों? हर्षिता माधवी। मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप ना हर्षिता को जरूर टीम में ट्राई करके चलो, अच्छा प्लेयर है दोस्तों, क्वालिटी ऑप्शन है। कविशा दिलहारी अगर देखते हो दोस्तों, T20 में 62 मैच, 15 का एवरेज, 483 रन, 172 ओवर, 50 विकेट। क्या सजेशन रहेगा इनके साथ? ये मस्ट वीक प्लेयर होनी चाहिए क्या? यस डेफिनेटली, और ये तो कैप बीसी ऑप्शन भी है। वार्म अप में एक मैच में बॉलिंग किया, एक में बॉलिंग नहीं किया, बट उससे पहले ओडीआई में 10 रन 0 विकेट, 53 रन 2 विकेट, 16 रन 4 विकेट। बैटिंग से भी वैल्यू दे सकती है, बॉलिंग से भी वैल्यू दे सकती है, अच्छी खासी चॉइस है। अगर देखेंगे हम लोग श्रीलंका वुमेन से, उसके बाद आने वाली है हसीनी पेरेरा। 82 T20 मैच, 773 रन है 12 का एवरेज से दोस्तों। इनका कंसिस्टेंट नहीं है, मैं फिलहाल प्रेफर नहीं करूंगा, हिटिंग करने की कोशिश में आउट भी हो सकते हैं। रिसेंट स्कोर भी देखोगे तो 7 वार्म अप में, 43 एक मैच में, ओडीआई में उससे पहले 14, 46 वेन्यू में 2 इनिंग्स में 21। नीलाक्षी डी सिल्वा लोअर ऑर्डर हार्ड हिटिंग करेंगे, एसएल में तो नहीं रख सकते हो, ग्रैंड लीग में ले लेना बैट फर्स्ट, क्योंकि ये लोअर ऑर्डर बैटिंग कर सकती है और इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, ये कैचेस भी लेती है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में। अनुष्का संजीवनी देखो मुनीवाली सेफ कम दोस्तों प्लेयर है, बट मुनीवाली दोस्तों हिटर है, आउट भी हो जाती है, तो ये आपको विकी से भी वैल्यू दे सकती है, ग्रैंड लीग में यूज़ करेंगे, एसएल में हम लोग नहीं ले सकते। अच्छिनी कलुसुरिया अगर देखोगे T20 में 38 मैच में 16 रन, 93 ओवर, 18 विकेट। रिसेंट फॉर्म वार्म अप में 0 विकेट और उसके बाद 1 विकेट। ओडीआई में 3 विकेट है, 2 विकेट है और 1 विकेट है, वेरी डिसेंट चॉइस है अच्छिनी कलुसुरिया, यूज कर सकते हो आप अपनी टीम में, नॉट अ बैड चॉइस दोस्तों। विकेट टेकिंग है बट क्या है कि ओमिस क्रिकेट में आपको बताया कि कई बार क्या होता है पेसर्स के ओवर ना एक दो ओवर मिलता है और उसके बाद बॉलर्स जो होते हैं स्पिनर वो ज़्यादा करते हैं, और इस टीम में कविशा चमारी दो स्पिनर दोस्तों आपको कम से कम दिखेंगे जो ऑलराउंडर से है, और इसके साथ इनोशी तीसरा चौथा दोस्तों रहेंगी मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इस मैच में सुगांधी का, तो चार स्पिनर तो दिख ही रहा है। उदेशी का पांचवा बॉलर, छठा बॉलर होने से हो सकती है अच्छी निकल सूर्या। इनोशी फर्नांडो जैसे कि मैंने आपको बात किया, ये इस टीम के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। देखो एक चीज़, 33 मैच में इसने 103 ओवर किया, हाई पॉसिबिलिटीज़ है ये आपको ओवर कंप्लीट करते हुए दिखे, ठीक है, अच्छा चॉइस है, टीम में ऐड कर सकते हैं हम लोग, मेरे हिसाब से ऐड करना भी चाहिए दोस्तों इनोशी फर्नांडो को। 33 मैच में 103 ओवर, 36 विकेट, डेफिनेटली आपके लिए टीम में होना चाहिए ये प्लेयर। विकेट टेकिंग ऑप्शन है, मुनीबा अली लेफ्टी बैटर है, पावर प्ले में बॉलिंग भी करेंगे। सुगांधिका कुमारी 81 मैच में 270 ओवर, 58 विकेट, ठीक ठाक ऑप्शन, यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने टीम में। एक विकेट मुझे दिखता है कि इनको मिल जाता है वार्म अप से पहले, ओडीआई में 1 विकेट और 0 विकेट, 2 विकेट टी ट्वेंटी में। वहीं पे सुगंधिका अगर देखोगे तो ओडीआई में 2 रन 0 विकेट, 18 रन 0 विकेट और 1 विकेट दोस्तों T20 आइस में है इनका।
ठीक ठाक ऑप्शन है सुगंधिका, मैं इनोशी को थोड़ा प्रेफर करूंगा सुगंधिका से। और उदिशिका प्रभुदानी अगर देखोगे तो ये बॉल फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ में आती है, 102 मैच में 327 ओवर 80 विकेट, ये रिसेंटली बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। ओडीआई में 0 विकेट 1 विकेट, टी ट्वेंटी में 1 विकेट है, वार्म अप में 1 मैच में 2 विकेट 1 में 0, ठीक ठाक ऑप्शन है, यूज़ कर सकते हो दोस्तों अपने टीम में। अब चलते हैं हम लोग और भी चार प्लेयर है बेंच में। एस घिमानी अगर देखते हो 5 टी ट्वेंटी में 15 ओवर 6 विकेट, चांसेस कम दिख रहा है, डू नॉट बैट वार्म अप में 1 मैच में 1 विकेट निकाला बॉलिंग से, बैटिंग तो करती भी नहीं, उससे पहले टी ट्वेंटी में 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। देखो ओपोनेंट ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ज़्यादा वन साइडेड मैच नहीं है, नहीं लूँगा मैं, प्रेफर नहीं करूँगा। यहाँ से देखोगे तो इनोका रनावेरा, इनका अगर सीन देखते हो दोस्तों तो टी ट्वेंटी में 82 मैच 280 ओवर 91 विकेट, वेरी रिसेंट चॉइस, रिसेंट फॉर्म, 1 विकेट 1 विकेट वार्म अप में, ओडीआई में 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, मेरे हिसाब से टीम में अगर ये खेलती है सुगंधिका और इनके बीच में किसी एक को ले सकते हो। मैं स्लाइटली शायद इनोका रनावेरा और सुगंधिका में डिफरेंशियल अगर जाऊंगा तो इनोका को प्रेफर करूंगा। एक टाइम में दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हुआ करता था दोस्तों इस टीम के लिए, बेस्ट बॉलर में से एक थी इनोका रनावेरा। निशान सेला अगर देखते हो लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, टी ट्वेंटी में 11 मैच 35 ओवर 6 विकेट, चांसेस कम दिख रहा है, अम्मा कंचाना राइट आर्म मीडियम ये खेलती है तो ठीक ठाक ऑप्शन है, स्लिंगिंग एक्शन है प्रोबेबली इनका, मैंने जब देखा था जितना मुझे याद आ रहा है ठीक ठाक ऑप्शन है। टी ट्वेंटी में 50 मैच 242 रन 84 ओवर 15 विकेट, वेरी डिसेंट चॉइस खेलती है तो दोस्तों, बट ओवरकट होता है इनका, अमा कंचाना का और अचिनी कलुसुरिया दोनों के ना ओवरकट होते हैं खेलते भी है तो। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग ओवर्स उदिशिका प्रभुदानी, अचिनी कलुसुरिया अगर खेलते तो वार्म अप में मैंने देखा था ये बॉलिंग तो कर रहे थे दोस्तों, ठीक है ये पावर प्ले में स्टार्ट कर रहे थे बॉलिंग इनोशी के साथ, अगर आप देखोगे पावर प्ले में कर सकती है। डेथ में कौन करेंगी, उदिशिका प्रभुदानी, अचिनी कलुसुरिया और दोस्तों दिलहारी आपको करते हुए दिखेंगी, इवन चमारी अटापटू पे डेथ आते हैं, डेथ ओवर का कोई गारंटी नहीं है, चमारी कभी कभार खुद भी कर लेती है। आते हैं इनके ओपोनेंट पाकिस्तान से पॉसिबल प्लेइंग 11 में गुल फिरोजा ओपन करेंगी मुनीबा अली के साथ, सिद्र अमीन, निदाधर, अलिया रियाज, फतिमा साना, उबामा सेवाल, राइटी डोमिनेटेड टीम है, एक ही लेफ्टी है मुनीबा अली पावर प्ले में। देखोगे तो गुल फिरोजा दोस्तों अटैकिंग क्रिकेटर है बट विकेट ना कम्प्लीटली थ्रो करके आती है, सेफ चॉइस तो नहीं है दोस्तों गुल फिरोजा, मेरा जो सजेशन रहेगा गुल फिरोजा के साथ फिलहाल के लिए मस्ट पिक प्लेयर नहीं रहने वाली है दोस्तों, ठीक है इग्नोर ही करूंगा मैं एसएल में। मुनीबा अली विकी में ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बेटर चॉइस है कम्पेयर टू देयर ओपोनेंट्स। कौन है अच्छी दोस्तों याद नहीं आ रहा है, संजीवनी, उनसे बहुत बेटर चॉइस है, ऐसा नहीं कि महानतम है, 19 का एवरेज है टी ट्वेंटी में, रिसेंट फॉर्म 11 और 27 वार्म अप में, एक टी ट्वेंटी में नॉक अच्छा आया था, 2 नॉक इनफैक्ट साउथ अफ्रीका वुमेंस के अगेंस्ट। सिद्रा अमीन ये ना कंसिस्टेंट प्लेयर है बट इस मैच में मैं नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। डिफरेंशियल ग्रैंड लीग में ले सकते हो, टी ट्वेंटी में 137 और 28 ठीक ठाक टच में थे बट बहुत अभी ना अटैकिंग खेलने के कोशिश में बहुत ज़्यादा गलत शॉट्स भी खेल जाते हैं दोस्तों ये, तो फिलहाल मैं सिद्रा अमीन को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हो, एक एंड पकड़ के खेलना जानती है। निदाधर इस मैच में वाइटल पिक, कैप बीसी ऑप्शन स्पेशली बॉल फर्स्ट, 156 मैच में 143 विकेट 2021 रन, ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान वुमेन्स के लिए। रिसेंट फॉर्म, वार्म अप में 14 एक विकेट 4-0 विकेट, उससे पहले टी ट्वेंटी में 12-0 विकेट 29-0 16-1, बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है बट ये स्क्वालिटी और ओपोनेंट का टीम कंडीशन देखते हो दोस्तों ये आपके लिए अच्छी खासी डिफेंशियल पिक बन सकती है। अगर देखोगे यहाँ पे अगले ऑप्शन में अलिया रियाज जो मिडल ओवर में बैटिंग करने वाली है, टी ट्वेंटी में 95 मैच 1000 प्लस रन 79 ओवर 20 विकेट, मिडल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में बैटिंग करती है, ओपन इस टीम से पाकिस्तान से अगर टॉप ऑर्डर छोड़ रहे हो आपको लग रहा है पाकिस्तान कोलैप्स होंगे प्रॉब्लम है तो इनको ग्रैंड लीग में यूज़ करना, एसएल में कोई नहीं लेंगे। फतिमा साना एसएल के लिए दोस्तों सभी रखेंगे, हम भी रखेंगे और रिसेंटली बैटिंग से अगेंस्ट टी ट्वेंटी साउथ अफ्रीका 27-37-37 बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिया, बॉलिंग से चला नहीं है बट डेथ में आ सकती है, शायद कैप्टनसी भी कर ले, अच्छी चॉइस है, शायद क्या यही कैप्टन है शायद, वो साउथ अफ्रीका सीरीज में तो कैप्टन थी। उमायमा सुहेल 51 मैच में 455 रन 47 ओवर 14 विकेट, 50-50 कॉल है ओवरकट होता है बट वार्म अप में बॉलिंग कराया पार्ट टाइम, लोअर ऑर्डर बैटिंग करती है, खेलने के चांसेस 100% नहीं है इनका। टुबा हसन ठीक ठाक चॉइस, 32 टी ट्वेंटी में 24 विकेट, रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत गंदे फॉर्म में थे, ओवर भी कंप्लीट नहीं कर रही थी ये, तो टुबा हसन फिलहाल मेरा पिक नहीं रहेंगे इस मैच में।
अगर देखोगे डियाना भाई टी ट्वेंटी इंडिया में 53 मैच में 167 ओवर 38 विकेट, बॉल फर्स्ट 50-50 कॉल ले सकते हो, ये ना डेथ में बॉलिंग कर जाती है, वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस मे भी थोड़ा बहुत बेटर हो जाए, बट डेफिनेटली मेरा मस्ट पिक प्लेयर नहीं रहेंगी डियाना भाई। सादिया इकबाल और नशा संधू बहुत सेफ चॉइस है। एक चीज़ मैं ऐड करूँ, अक्सर ना क्या करते हैं पब्लिक, इनको ना सेकेंड इनिंग्स में ड्रॉप करते हैं नशा और सादिया को। दोस्तों ये ज़्यादा अच्छी बॉल डालती है सेकेंड इनिंग्स में कम्पेयर टू देयर फर्स्ट इनिंग्स, तो यूज़ कर सकते हो दोनों को। 43 सादिया ने 53 विकेट निकाला 43 मैच में, वहीं पर नशा ने 62 मैच में 60। रिसेंट फॉर्म में टी ट्वेंटी में 0-2-0 है और सादिया का हर मैच में विकेट है, तो सादिया पहली चॉइस होंगी। बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, ओपोनेंट के पास लेफ्टी बैटर है, टॉप फाइव में तीन लेफ्टी बैटर है, तो अगर पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर किया तो ये लोग ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको पता है वुमेंस क्रिकेट में इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं लेफ्टी बैटर्स के अगेंस्ट भी, तो प्रेफर कर सकते हो। डेथ में भी आ जाती है दोस्तों सादिया एक ओवर लेके, तो बॉल फर्स्ट तो छोड़ ही नहीं सकते हो। अगर देखोगे इराम जावेद बेंच में है, लोअर ऑर्डर हिटर है, 54 टी ट्वेंटी में 399 रन, 7 ओवर 1 विकेट, प्रेफर नहीं करूंगा। वार्मअप में भी कुछ नहीं किया, उससे पहले भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सदाब शमास मिल ओवर बैटर, हार्ड हिटर है, हार्ड हिटर वुमेंस क्रिकेट में बहुत कम दिखता है, बट थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, प्रेफर नहीं करूंगा। SL पे भी नहीं, GL पे भी नहीं। साहिदा अरूप शाह ग्रैंड लीग में बॉल फर्स्ट डिफेंशियल ले सकते हो, टी ट्वेंटी में 12 मैच 35 ओवर 5 ही विकेट। तस्मिया रुहाब ये ना बॉल फर्स्ट डिफेंशियल बन सकती है, लास्ट साउथ अफ्रीका वुमेंस वाले मैच में एक मैच में इन्होंने डेथ में बॉलिंग किया था, अच्छा फिनिश किया था उस मैच में। स्टार्टिंग ओवर फतिमा साना आपको करते हुए दिखेंगी दोस्तों सादिया इकबाल के साथ, फिर निदा दर आने वाली है और डेथ में फतिमा साना सादिया इकबाल नशा संधू आपको करते हुए दिखेंगी इस टीम से। मुनीबा अली देखो, हेड टू हेड अगर प्लेयर्स बैटल देखते हो तो मुनीबा अली को दिक्कत होता है दिलहारी के सामने, 22 बॉल में सिर्फ 25 रन और 3 बार आउट होकर रखा है। रनावाला के खिलाफ 6 बॉल में 1 बार आउट हुआ है 6 रन देते हुए। सुगांधिका के खिलाफ 50 मैच में 38 दोस्तों रन बनाया, थोड़ा सा स्लो खेला, 1 बार आउट किया है सिर्फ। अगर देखोगे उदेशिका के खिलाफ 17 बॉल 15 रन 1 बार, तो आउट सबके खिलाफ हुआ, अटैक बहुत ज़्यादा स्कोर या फिर अटैकिंग जो होता है कंफर्टेबल आपको नहीं दिखाया किसी के भी खिलाफ दोस्तों। अगर आप देखोगे सिद्रा अमीन रनावरा के खिलाफ, इनोका रनावरा 5 बॉल में 1 बार आउट हुआ, रन नहीं आया, 7 बॉल में 9, सुगंधिका उदेशिका 8 में 2 दोस्तों, रनावरा इनको भी आउट किया है, ठीक है, मुनीबा को भी। चमारी के खिलाफ 15 बॉल 10 रन पे 2 बार आउट होके रखा है दोस्तों, तो चमारी से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। और दिलहारी अगर देखते हो 8 बॉल 3 रन देते हुए 1 बार आउट किया है दोस्तों सिद्रा अमीन को। निदादर के खिलाफ अगर देखोगे तो रनावेरा 31 में 34 रन 1 बार आउट किया, दिलहारी ने यहाँ पे भी 2 बार आउट किया, 20 बॉल में सिर्फ 15 रन देते हुए 2 बार उदेशिका ने भी आउट किया, सुगंधिका ने 19 बॉल में सिर्फ 12 रन कंसीड किया और 1 बार आउट कर दिया है दोस्तों किसको, निदादर को, सुगंधिका ने। अलिया रियाज को किसी ने ज़्यादा ट्रबल नहीं किया है एक्चुअली में, इन्होंने स्ट्राइक रेट भी बहुत कम है, 10 में सिर्फ 4 9 में सिर्फ 6, इनोका के खिलाफ 8 में 3 12 में 9, चमारी दिलहारी आउट नहीं हुआ है बट रन भी तो नहीं बना। अगर देखोगे चमारी अटापटू देखो निदादर के खिलाफ 30 बॉल में ना सिर्फ 24 रन और 3 बार आउट हुआ है, तो यहाँ पर ट्रबल होता है, स्लो भी हो जाते। 2 बार सादिया ने भी आउट किया, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेफ्टी बैटर, देखो स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं है, 36 में 34। अब देखो संधू नशा संधू के खिलाफ 11 में 17, चलो नशा संधू को अच्छा खेला है बट नशा संधू बेसिकली ना थोड़ा लेट आते हैं, सादिया एक ओवर आधा पावर प्ले में आउट करती है। डियाना 39 में 31, ज़्यादा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। टूबा 12 में 21, टूबा को अच्छा खेला। फतिमा को बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, 45 में 64, बट 1 बार आउट हुआ है। अगर देखोगे हर्षिता माधवी इनको दिक्कत, सबने एक एक बार आउट किया है बट संधु 23 में सिर्फ 13, बहुत ही ज़्यादा स्लो खेला है दोस्तों इन्होंने। अगर देखोगे यहाँ पे 14 में सिर्फ 10 टूबा, 12 में सिर्फ 4 सदिया, फतिमा ने 11 में 13 अच्छा खेला है, निदा को 40 में सिर्फ 27 1 बार आउट है, तो स्ट्राइक रेट बहुत कम है श्रीलंका के प्लेयर्स का अगेंस्ट पाकिस्तान। नीलाक्षी डी सिल्वा इनका अगर देखते हो तो ज़्यादा आउट तो किसी ने नहीं किया बट यार वही बात है कि स्ट्राइक रेट का हालत देखोगे बहुत ख़राब, इतना स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो कोई भी आउट कर सकता है, स्लो हो जाता है ना इनिंग्स। अब आते हैं दोस्तों इनके बीच जो हेड टू हेड हुआ है रिसेंटली उसका रिकॉर्ड के साथ। अगर देखोगे पाकिस्तान वोमेन 140 पे 4 विकेट 20 ओवर में, लास्ट मैच 2024 में हुआ था डम्बुला में, श्रीलंका वोमेन चेस कर गया था 7th विकेट में। टॉप स्कोरर थे पाकिस्तान वोमेन से मुनीबा अली 37, गुलफिरोजा 25, निदादर 23। बेस्ट बॉलर था दोस्तों किससे, पाकिस्तान से सादिया का 4 विकेट सेकेंड इनिंग्स में, निदा का 1 विकेट, ओमाइमा का 1।
ये रन स्कोर चेंज हुआ था बिकॉज ऑफ चमारी चले थे सिंगल हैंडेडली, संजीवनी 24, कबीशा 17, उद्देशिका बॉल फर्स्ट 2 विकेट, कबीशा दिलहारी 2 विकेट। उससे पहले जब हेड टू हेड हुआ है दोस्तों 2023 हॉजोग्लू, ये चाइना में हुआ था, एशिया कप था शायद प्रोबेबली, उसमें जुल्फिकर ने 16 बनाया, मुनीबा ने 13 बनाया, उमैमा ने 10 बनाया। उस मैच में सादिया ने 1 विकेट निकाले थे फिर से सेकेंड इनिंग्स में, दियाना उमैया, तो सादिया का अच्छा रिकॉर्ड है। हाँ, टॉप स्कोरर फिर से चेस करते हुए सिंगल हैंडेडली चमारी ने 63, 24 अनुष्का ने 17, नहीं ये थोड़ा सा गलत हुआ है दोस्तों, ये वाला चेजिंग में ना दोस्तों चमारी अट्टापट्टू ने बनाया था 14, 15 बनाया था संजीवनी और हर्षिता ने बनाए थे 23 रन, ठीक है। और बॉलिंग से किसने विकेट निकाला था, ये सेम कॉपी पेस्ट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। बॉलिंग से विकेट निकाले थे दोस्तों 3 विकेट प्रभुधानी ने निकाला था, इस टाइम बॉल फर्स्ट हो रहा था, इनोशी अचिनी इनोका रनावेरा 1 विकेट ईच और कविशा दिलहारी फिर से 2 विकेट। कविशा दिलहारी हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, ये वाला पार्ट इग्नोर करो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। उससे पहले 2022 में जब हेड टू हेड हुआ है इन दोनों के बीच, उसमें अगर देखोगे तो टॉप स्कोरर 122 बनाया श्रीलंका, बैट फर्स्ट हर्षिता ने टॉप 35 बनाया, अनुष्का 26, नीलाक्षी 14, बेस्ट बॉलर इनोका रनावेरा 2, कविशा 1, सुगंधिका 1 विकेट। और पाकिस्तान वुमेन से अगर देखोगे तो निदादर ने 26 बनाया, 42 बिस्मा जो है नहीं अभी, मुनीबा 18, बेस्ट बॉलर नशा संधु 3, अयमान निदा सादिया। एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, सादिया इकबाल का हर मैच में विकेट और नशा संधु ने बॉलिंग फर्स्ट ज़्यादा अच्छा किया, ठीक है, नशा संधु बॉलिंग फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। फिलहाल तो दोस्तों ये रहेगा कवरेज, अब चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में। बट आप अगर चैनल पे न्यू हो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए टेलीग्राम जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे। दोस्तों फिलहाल जो मेरा ड्रीम इलेवन का टीम बनेगा, देखो विकी में मुनीबा अली बाय डिफॉल्ट है, एसएल बोलो जीएल बोलो, जीएल पे हाँ थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं बट एसएल के रिस्पेक्ट में कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों इनके साथ रिस्क लेना। संजीवनी नजवी अलवा इग्नोर करो इनको, हर्षिता ऐड कर सकते हैं हम लोग आफ्टर टॉस ऐड करेंगे, गुलफिरोजा फिलहाल नहीं लूंगा, नीलाक्षी डिसिल्वा नहीं लूंगा दोस्तों, सिद्रा अमीन ऐड कर सकते हो दोस्तों, सिद्रा अमीन हर्षिती 2 अच्छी चॉइस, तीसरा अच्छा चॉइस भीष्मी रजापक्षे, अलिया रियास मे बी बैट फर्स्ट पाकिस्तान वुमेन ले सकते हो, डिफेंशियल ये ना अच्छी खेलती है जब पूरा टीम कोलैप्स होता है, तो 3 ऑप्शन अच्छा मिला, एक है अलिया रियास, दूसरा है सिद्रा, तीसरा है हर्षिता। इन तीनों में से दोस्तों सबसे जो सेफ है, स्ट्रॉन्गर टीम से बिलोंग भी करते हैं दोस्तों, वो है हर्षिता माधवी टीम में होना। अब इनके अलावा ऐड करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से चमारी बाय डिफॉल्ट, निदा बाय डिफॉल्ट, कविशा बाय डिफॉल्ट, फतिमा साना अभी बैटिंग से बहुत अच्छी कर रही है, तीनों प्लेयर नहीं लूंगा, कंचना उमैमा सोहेल रमीन शमीम। अब बॉलिंग से उदेशिका मैं लूंगा, बहुत अच्छा है स्पेशली बॉल फर्स्ट दोस्तों, उदेशिका डेथ करेंगी, अच्छी बॉलर है, इनके साथ सादिया इकबाल बहुत कंडीशन रहेंगी, सुगंधिका एक चॉइस है आफ्टर टॉस, नशा संधु आफ्टर टॉस स्पेशली वाइल बॉल फर्स्ट, मैं ना फिलहाल इनोशी को बहुत कंडीशन में मान के चलता हूँ, ठीक है। यहाँ से कुलासुरिया हम लोग नहीं लेने वाले इस मैच में, डियाना बाइक फिलहाल नहीं लूंगा मैं, इनोका रनवेरा अच्छा डिफेंशियल रहेंगी और नीचे के प्लेयर से निशान सलाह, साइदा रूपशा, घिमानी, यूहानी या फिर ती रुबाब, रुबाब नहीं लूंगा, ये जो रुबाब है ना टी तस्मिया रुबाब, बॉल फर्स्ट डिफेंशियल ऐड कर सकते हो, तो अभी ना थोड़ा सा सेफ जाता हूँ संधु और सुगंधिका के साथ। तो हमारे पास सभी बॉलिंग ऑप्शंस कवर हो चुके हैं इस मैच में, डेफिनेटली आप थोड़ा सा रिस्क लेके एक आधा बैटिंग ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो, सिद्रा अमीन स्पेशली पाकिस्तान वुमेन बैटिंग फर्स्ट, 25-30 रन आ सकता है दोस्तों इनके बैट से आराम से। कैप्टनसी में फिलहाल चमारी मेरा डिफॉल्ट है, एंड मैं ना एक बार फिर से वाइस कैप्टन जाऊंगा निदा, अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग फर्स्ट किया, अगर पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट ले लिया तो मैं निदा को वीसी नहीं बनाऊंगा दोस्तों, मैं सेफ वीसी जाऊंगा कविशा दिलहारी के साथ ही, ठीक है। फिलहाल ये रहेगा कवरेज, कुछ भी अपडेट आता है इस मैच का, अगले मैच के कवरेज के साथ मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा टीम, आपको जुड़ना है टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। चलो मिलते हैं मैच टाइम पे, थैंक यू दोस्तों।